शवा 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 जोर लगा के टाइम बचा के अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? आज के ब्लॉग में हम बालाकोट सिटी, आप लोगों ने सुना होगा बालाकोट के बारे में, ये पीछे सारा बालाकोट सिटी है। तो ईद के फौरन बाद ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश हो गया, इतनी ज़्यादा पब्लिक निकली हुई है कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम है। तो मैंने सोचा यहाँ पे रुके तो हैं तो चलो एक व्लॉग बना देते हैं बालाकोट सिटी के बारे में। बालाकोट सिटी ज़्यादा फेमस, जो आई थिंक 2005 में जलजला आया था उसकी वजह से भी काफ़ी फेमस है, लेकिन एक फेमस होने की वजह इसकी ये है कि ये सामने सिटी के सेंटर में से एक दरिया जा रहा है, इसको कहते हैं दरिया कुनहार। तो ये भी एक इसकी फेमस होने की एक निशानी है। और बाकी निशानी ये कि यहाँ से अगर नारायण कगान जाना हो तो यहाँ से ही जाया जाता है। और ये देखे पीछे कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है, और हमारी गाड़ी भी बिल्कुल नीचे है और मैं ऊपर आया हुआ बिल्कुल ज़्यादा ऊँचाई पर। तो लोग काफ़ी जलील हो रहे हैं क्योंकि हर बंदा यहाँ से निकल आता है, और जब निकलते हैं लोग तो फिर रश होता है, और रोड भी एक सिंगल है, डबल रोड नहीं है, तो इस वजह से काफ़ी खुआरी होती है। तो मैं बोली आप लोगों को दिखाता हूँ कि शहर के सीन क्या है इस तरह पहाड़ की चोटी में। ये सामने ये देखें जी दरिया आ रहा है कुनहार, ये नारायण कगान से भी आगे वहाँ से चल रहा है, और यहाँ से होता हुआ दरिया कुनहार बालाकोट सिटी, ये वाला बालाकोट सिटी है। अगर किसी ने बालाकोट सिटी नहीं देखा, बालाकोट के बारे में सुना हुआ, तो ये वाला शहर है बालाकोट, इतनी सी जगह पे, और इससे आगे भी है, पहाड़ों के ऊपर भी वादी है, लेकिन ये ट्रैफिक का सीन है। अभी पुलिस वाले और ट्रैफिक के जो वार्डन हैं उन्होंने आगे ट्रैफिक ओपन किया, वरना यहाँ पे बुरा हाल था। और गाड़ियाँ हम तकरीबन ये जो एक लाइन है, ये लाइन वो पुल है ना, पुल के वो जो सामने जगह है वहाँ से हम आए थे, वो हमारी गाड़ी इस जगह पर खड़ी है। तो यहाँ पर आते हुए तकरीबन हमें एक घंटा लग गया क्योंकि ट्रैफिक जाम थी, और लोगों में थोड़ा सा सफ़र भी नहीं है कि सफ़र से पेश आए। और ये देखें गाड़ियों के जो ब्रेक शू हैं वो भी जवाब दे गए हुए हैं। तो बाकी आवाम जो है ना गाड़ियों में से, गाड़ियों के अंदर तो थोड़ी गर्मी है, एसी की इतनी काम नहीं कर लेकिन गाड़ियाँ स्लो हैं, तो लोग चढ़ गए हुए हैं जी ये पहाड़ों के ऊपर। हमारे साथी भी आई थिंक इधर ही, मैं उनको ढूंढता हूँ। ये देखें एक नई भाई ये हैं वाले, और एक भाई ये हैं मुकम्मल भाई। तो बाकी भी ये देखें कि अब गाड़ी का ये सीन है कि फुल लोडेड गाड़ी है, इतने ज़्यादा बंदे हैं, हम तो गाड़ी में से निकल गए थे कि ताकि यार इजीली हम ऊपर आ सकें। तो बालाकोट सिटी एंजॉय करें, ब्लॉग को देखना, और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। जब भी सीज़न हो, कोई भी ईद वगैरह हो, त्यौहार हो, तो बालाकोट के रास्ते में अगर नारायण कगान आप लोगों ने जाना तो ये कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है, अवॉइड करें इस तरह के रास्ते को, और जाएँ उस तरफ से कि जहाँ पर रश कम हो। वहाँ पे आपके एक बंदा कह रहा था कि भई हमें एक रात हो गई यहाँ पे, जो है नारायण से आते हुए बालाकोट आते हुए तकरीबन हमें 8-10 घंटे लग गए थे। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। तो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ जहाँ पे हमारी गाड़ी है, तो वो भी देखते हैं कि उसका क्या सीन है, कहीं धक्के छक्के तो नहीं लगाने पड़े गाड़ी। अब ये ट्रैफिक पुलिस वाले आए हैं, तो उन्होंने उनका थोड़ा सा काम हुआ है कि भाई की वजह से ट्रैफिक थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, या ये प्रोटोकॉल को टाइम दे रहे हैं, या इसी वजह से हो रहा है, पता नहीं अब क्या सीन है।